हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम लोगों ने एक ट्रैवल प्लान किया है जो कि है प्रयागराज तक का। क्या रूट लेंगे हम लोग? हम लोगों ने सोचा है जो एक नया समृद्धि हाईवे बना हुआ है टूवर्ड्स मुंबई टू नागपुर, हम लोग उससे जाएंगे। एक स्टॉपेज लेंगे नागपुर के आसपास, फिर हमारा प्लान है मैहर जाने का, माता जी के दर्शन करने का, देन उसके बाद में हम लोग पहुँचेंगे प्रयागराज। रोड कंडीशन कैसी रहती है, क्या रहता है, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, कितना फ्यूल लगा, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको इस व्लॉग में मिलेगी। तो हमारे साथ बने रहिए। तैयारियां थोड़ी जोरों शोरों से चल रही हैं। बिल्कुल, ये यहाँ पे हमारे जो कंडक्टर साहब हैं वो यहाँ पे हैं। ये हमारे दो अनमोल रतन जिन्हें हम कब से कोशिश कर रहे हैं चलो चलो, लेकिन ये चल नहीं रहे। तो अब इन्हें हम सीधे ही गाड़ी में लाद देंगे और चलेंगे, क्योंकि बोलते बोलते तो मेरे थक गए हैं। तो अब चाय को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे सीधे गाड़ी में। तो चलिए। अरे बाप रे, पार्किंग में जब अपन मॉर्निंग में आते हैं, कोई ना कोई आवाज़ है, इधर उधर ट्रैफिक रहता है, तो कितना कूल लगता है। अभी कितना सुनसान लग रहा है, ऐसा लग रहा है वो गाना कौन सा है ना, वो गुमनाम है कोई। बाप रे बाप, बड़ा स्कैरी लग रहा है। चलो कोई ना, अपना गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग में ना एक फ़ायदा तो है निकलने का, यदि जल्दी निकल जाएँ, जैसे कि अभी 5:30 बज रहा है, देख लेट तो हो गए बट फिर भी ट्राई करते हैं। यदि जल्दी निकल जाते हैं तो क्या होता है ना, ट्रैफिक नहीं मिलता है सिटी में और काफ़ी किलोमीटर हम लोग जल्दी से जल्दी कवर कर लेते हैं। बट देखते हैं अभी क्या होता है। पब्लिक तो ऊपर सो रही है, सोचा नीचे थोड़ा सा सामान वामान रख लेता हूँ और थोड़ा कोल्ड स्टार्ट कर लेता हूँ, नहीं तो ये सब एक साथ आ जाते हैं ना, तो इनको सब्र ही नहीं रहता, बस बैठे और गाड़ी में चलो। तो यही सब रहता है। अभी 5:30 बज रहा है, 19 डिग्री टेम्परेचर है। चलिए मिलते हैं। मॉर्निंग में 6:00 हम लोग निकले थे, लेकिन अभी हम चाकन में ही फंसे हुए हैं। ट्रैफिक देखिए कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे यहाँ जो पब्लिक है ना कुल बिज़ी है, सब धकाधक नाश्ते में बिज़ी हैं। आखिरकार अब हमारा भाग्य भी चमका और हम लोगों को कम से कम हाईवे खाली मिला, नहीं तो क्या है कि दिवाली के कारण, इतना फेस्टिव सीज़न के कारण इतना भीड़ हो रखा है कि हाईवे पे भी जाम लगा हुआ था। कब से चले हैं, ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो गया, लेकिन अब जाके हमको थोड़ा सा खाली रास्ता मिला है, जो कि हम थोड़ा सा गाड़ी को एटलीस्ट 60+ चला पा रहे हैं, अदरवाइज बहुत स्लो हो रहा था। देखिए अभी भी कितना ट्रैफिक है, ऐसा नहीं है कि पूरे रास्ते खाली हैं, बट फिर भी हाईवे मिल रहा है, मैनेजेबल है। इधर हम अक चुकी है, पब्लिक सब एक्टिव हो गई है। ये मैडम, खाना पीना चल रहा है इनका, और बस ऐसे ही खाते पीते टाइम पास करते करते इतना लंबा सफ़र चला जाएगा। हम हैं, आप हैं, कम से कम ये रहेगा कि पता नहीं चलेगा। और रास्ते की कंडीशन, टोल, डीजल क्या लगता है, गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है, हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। अच्छा दोस्तों ना, जब ही हाईवे पे चले नहीं कि टोल का सिलसिला चालू हो जाता है, एक टोल ख़त्म कि दूसरा टोल चालू हो जाता है। चलो कोई ना, टोल हैं तो इतनी अच्छी अच्छी सड़कें हैं। ये हम लोग समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे के पास आ गए हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, जब आप पूना से आएंगे पहला लेफ्ट मारेंगे तो समृद्धि पे जब आप चढ़ेंगे तो ये टूवर्ड्स मुंबई की तरफ जाएगी। नागपुर के लिए आपको ना थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, यानी कि इस एक्सप्रेसवे के वो बाजू, दूसरी बाजू से आपको चढ़ना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा एक्सप्रेस वे बनाया है, ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर्स का ये है, जो कि मुंबई को कनेक्ट करेगा नागपुर से। अभी ये फ़िलहाल मुंबई तक तो नहीं हुआ है, बट हाँ हम लोग नासिक से पकड़ रहे हैं तो नासिक पे ही हमें मिल जाएगा। यहाँ से थ्रू आउट टिल मुंबई तक, सॉरी टिल नागपुर तक बना हुआ है। यहाँ से अब हम ऊपर एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे। ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये पूरा की पूरा एक्सप्रेसवे है, समृद्धि एक्सप्रेसवे। और नागपुर की तरफ जाने के लिए हम लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे। ये देखिए यहाँ से डाइवर्जन हुआ, यानी कि रोड क्रॉस किया हमने एक्सप्रेसवे का, और अब यहाँ से हम लोग टूवर्ड्स ऊपर। क्या बेहतरीन बनाया है, क्या बेहतरीन बनाया है, मतलब
गडकरी जी ने ना सही में बहुत बेहतरीन काम किया है। ये टोल है, यहाँ पे तो फिलहाल नहीं कटेगा, लेकिन जैसे ही हम निकलेंगे कुछ 1.73 है ऐसे ही कुछ पर किलोमीटर के हिसाब से वो कटेगा पैसे। व्हाट अ ब्यूटी, देखिए एक बार एंट्रेंस देखिए, कितना बेहतरीन एंट्रेंस है। पहले जहाँ यहाँ से कम हमको 13-14 घंटे लग जाते थे नागपुर पहुँचने में, अभी महज 7-8 घंटे में हम लोग नागपुर को कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए एक्सप्रेसवे, इतना बेहतरीन एक्सप्रेसवे बनाया है। अच्छा, यहाँ पे मैक्स लिमिट जो है वो 120 है, मैं आपको और करीब से दिखाता हूँ। ये एग्जिट है जो जिस लेन पे अभी मैं चल रहा हूँ, जो सबसे लेफ्ट वाली है वो ट्रक की है, 80 किलोमीटर की स्पीड है। बीच वाली जो है वो 100 किलोमीटर पे है, और सबसे उधर जो राइट साइड पे है वो 120 किलोमीटर की स्पीड पे है। देखिए क्या बनाया है, बिल्कुल एक तरफा। अच्छा, समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे ना कुछ ऐसा आइसोलेटेड किया हुआ है ना, बिल्कुल एक नॉर्मल रोड से थोड़ा सा ऊपर कर दिया गया है, तो जिससे जानवरों का खतरा भी इधर नहीं रहता है। जब आप नासिक की तरफ यानी सिन्नर से चढ़ेंगे तो शिरडी आपको आएगा, मतलब शिरडी के लिए आपको रास्ता कटेगा कुछ 45 किलोमीटर पे, देन उसके बाद में औरंगाबाद पे जाएगा। अच्छा, एक चीज़, अभी यहाँ जो पेट्रोल पंप है, अभी मैं सिन्नर से चढ़ा हूँ, ठीक है, पेट्रोल पंप अभी केवल मुझे एक पेट्रोल पंप मिला है, और भी मैं बताता हूँ आपको कैसा क्या है पेट्रोल पंप का। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यदि आप इधर आते हैं तो जब आप संगम नेर से सिन्नर की तरफ आते हैं ना, तो आपको वैसे ही बहुत सारे पेट्रोल पंप मिल जाते हैं, तो आप वहीं पे ही है ना अपना डीजल पेट्रोल जो भी आपको चाहिए आप वहीं फ्यूल कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ के भरोसे मत रहिएगा। और कुछ ऐसे होटल भी मुझे अभी तक तो नहीं दिखे हैं। चाय वाय के लिए ज़रूर जहाँ पे पेट्रोल पंप है वहाँ पे ही चाय का कुछ मुझे वो मिला है, अदरवाइज़ मुझे कहीं कोई भी शॉप या कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। एक चीज़ और यहाँ मैं बोलना चाहूँगा, इस एक्सप्रेस वे में आप देखोगे जरा साइड में बहुत कम जगह छोड़ी गई है। यदि फॉर एग्जांपल आपको गाड़ी को रोकना है या थोड़ी देर स्टे करना है, तो आई डोंट थिंक सो इधर कुछ है ना अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल कम, बहुत कम जगह साइड में छोड़ी गई है। तो इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि ये 3 लेन इधर और 3 लेन उधर, टोटल 6 लेन हाईवे है ये, बट बना बहुत अच्छा है, बिल्कुल स्मूथ है, कोई ट्रैफिक नहीं है। मैं तो ये बोलूँगा कि विदर्भ साइड जिसको भी जाना है वो तो उसके लिए तो ये बेस्ट बेस्ट ऑप्शन है। एक फ़ायदा भी है कि आप इसमें क्रूज़ कंट्रोल लगा दें और चलते रहें, बट हाँ एक ये भी है कि इतना लंबा हाईवे है कि आपको ना मे भी झपकी लग सकती है, थोड़ा नींद आ सकती है, तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए इस चीज़ को लेके, प्रॉपर रात को रेस्ट लीजिए जिससे कि सुबह आपको ना नींद वींद ना आए। रिफ्लेक्शन इतना तेज आता है तो ज़रूर एक सनग्लासेस रखिए, मैंने भी ले रखे हैं बट अभी मुझे ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं लिया। क्या बोलती हो, तुम्हें कुछ कहना है? मुझे तो नींद आ रही है। नींद आ रही है तुम्हें? वो एक जैसा रास्ता देखते देखते नींद आती है। अरे यार, तो तुम एक काम करो, तुम आराम से सो, बच्चे तो सब देखो नींद में लटक गए हैं, ठीक है। क्यों क्यों सोना क्यों नहीं भाई तुमको? मुझे क्या देखना है, अरे मैं तो गाड़ी चला ही रहा हूँ यार। अरे मैं थोड़ी सोऊंगा, मैं तो बस गाड़ी चलाऊंगा और देखूंगा, ठीक है। तुम चाहो तो एक नींद लगा लो आराम से, मस्त एसी चल रहा है, सो आराम से। हाँ लेटो तुम भी। कुछ इस तरीके से आप साइन बोर्ड देखेंगे रेस्ट एरिया के, आप शायद देख पा रहे होंगे ये रेस्ट एरिया के लिए एग्जिट है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ हैं, आप ये देखिए, जो कि पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए रुकी हुई हैं। पेट्रोल पंप भी हैं, आपको थोड़ा चाय वगैरह और इसकी सुविधा भी मिल जाएंगी, ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, बट यस चाय वगैरह मिल जाएगी, पेट्रोल मिल जाएगा। ओ भाई साहब, व्हाट अ ब्यूटी, दोनों पहाड़ों के बीच में से रास्ता बनाया हुआ है। ये दोनों पहाड़ों के बीच में
आप देख सकते हैं कि क्या जॉइंट बना है यहाँ से वहाँ जाने के लिए ब्रिज। मुझे लगता है शायद वाइल्ड लाइफ के लिए बना है कि भाई जानवरों को इधर से उधर जाना हो तो वो इसकी हेल्प ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा और आपको नज़दीक से बताता हूँ। ये देखिए एक ब्रिज है, वी आई डोंट नो ऊपर क्या है, कोई हाईवे जा रहा है या कुछ अलग कनेक्टिविटी है वो नहीं पता, बट अमेजिंग जिस तरीके से पहाड़ों की कटाई करी है और रास्ता बनाया है काबिले तारीफ है। इस हाईवे पे पता है हम लोग क्या परेशानी महसूस कर रहे हैं, ना यहाँ पे कुछ पेड़ है ना कोई यहाँ पे शेड है, बस ऐसे ही सड़क के पास में, जैसे मैं आपको ये सड़क के पास में कुछ ऐसे ही रेस्ट एरिया बना दिए गए हैं। आप अपनी कार यहाँ पे पार्क कर लीजिए, जो भी फ्रेश होना है हो लीजिए। यहाँ पे यदि आप देखोगे तो बहुत से ऐसे मतलब एक दो पेट्रोल पम्प मैंने ऐसे देखे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, सो दैट अभी देखा जाए तो कम से कम 150-200 किलोमीटर के बीच में एक पेट्रोल पंप भी मुझे नहीं मिला। तो ये एक है, अब हम सोच रहे हैं कि यहीं कहीं आसपास साइड में कार फंसा के खाना खा लिया जाए। ये तो अच्छा था कि हम लोग लेके आए थे साथ में, अदरवाइज़ यहाँ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता, ना कुछ खाने की व्यवस्था ना कुछ। अभी भी नागपुर यहाँ से है 387, तो हम लोग भी यही करते हैं। ये देखिए यहाँ साइड में रोड के ना ऐसे जगह बनी हुई है, बस आप यहाँ पे पार्क कीजिए, इधर ही खाइए और आगे जाइए। अमरावती एग्जिट, यवतमाल एग्जिट, नागपुर स्ट्रेट। सच में बनाया तो बहुत बहुत ही बहुत सुंदर है, लेकिन बस एक ही चीज़ है कि चलाते चलाते आप बोर हो जाओगे। कहीं कुछ न पेड़ न पौधे न कोई कैफेटेरिया कुछ भी नहीं, तो बस एक ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ तो ऑलमोस्ट आप 700 किलोमीटर कैसे अचीव कर लोगे पुणे से ना आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। यहाँ से एग्ज़िट है अमरावती और यवतमाल का। अभी थोड़ा ठंड का मौसम चल रहा है तो दिन मुझे लगता है इसलिए थोड़ा जल्दी ढल गया है। अभी 6 बजे का ही समय हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि पूरा अंधेरा हो गया है। यहाँ से कुछ नागपुर 50 किलोमीटर है। आ गया है समृद्धि एक्सप्रेस का एग्ज़िट टोल, जितना अच्छा हाईवे उतना अच्छा टोल। ऑलमोस्ट देखा जाए तो पुणे से हमें यहाँ आने में कुछ 11 आवर्स नागपुर तक लग गए। बस नागपुर पहुँचने में हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, बच्चे बच्चे थोड़ा सा खाना वाना खाने में थोड़ा सा टाइम पास हो गया था, इस कारण से मैं प्रॉपर एंडिंग नहीं कर पाया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। मॉर्निंग हम स्टार्ट होते हैं नागपुर से टूअर्ड प्रयागराज की तरफ। ये जो आप व्यू देख रहे हैं ये पेंच नेशनल पार्क है जो कि काफ़ी फेमस है टाइगर रिजर्व के लिए। अभी तक रोड की जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी है। हाँ, ये जो पेंच नेशनल पार्क में जो रोड्स बनी हुई है ना ये काफ़ी अच्छी रोड है। यहाँ पे कैसा है ना कि साउंड नहीं आता है इन पे टायरों का, और ये जो साइड में आप वॉल देख रहे हैं ये क्या है कि कोई जंगली जानवर यहाँ ना आ जाए तो ये उसके लिए बनाई हुई है। हम लोग रुके हैं चाय पीने के लिए। पेंच नेशनल पार्क जब शिवनी से कनेक्ट होता है ना तो शिवनी के थोड़ा पहले ही एक है ना ये बाइसन रिट्रीट रिसोर्ट है। यहाँ पे रहने की व्यवस्था है, 4,000 से 5,000 के आसपास टैरिफ में आपको अच्छा खासा रूम विला मिल जाएगी। ये रिसोर्ट है, ये यहाँ पे खाने की व्यवस्था, नो डाउट जगह बहुत अच्छी है, जगह बहुत अच्छी है, डेफिनेटली आप इंजॉय करेंगे कभी आपके पास समय। हमारे पास तो समय नहीं है इसलिए हम अभी आगे निकलते हैं और मैहर की तरफ चलते हैं। तो चलिए मिलते हैं कुछ आगे डेस्टिनेशन पे। ये स्थिति है जब हम कटनी से आगे चलते हैं। जबलपुर तक तो सब बढ़िया रहा, जबलपुर के से कटनी भी बढ़िया रहा, लेकिन कटनी के बाद ये रोड का कंस्ट्रक्शन का काम कई सालों से चल रहा है, 2-2.5 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ
क्या पता कब कंप्लीट होगा वो मुझे भी नहीं पता, ना मुझे लगता है यहाँ किसी को पता होगा, और ये स्थिति बनी हुई है। बार बार डाइवर्शन आ रहे हैं, इधर जाओ उधर जाओ। मुझे लगता है ये बहुत एक पैथेटिक है यहाँ जाने में। अदरवाइज पूना से लेकर टिल कटनी तक तो हमें रोड बहुत अच्छी मिली है। अब आगे रोड का हाल मैं आपको बताता हूँ। पब्लिक यहाँ बैठी हुई बोर हो रही है, इनके गले में बांटा चढ़ गया है तो ये अपने गले को आराम दे रही हैं। ये भाई साहब हमारे, ये मैडम, सारी पब्लिक थक गई है, हालतें खराब हो गई हैं, लेकिन फिर भी लगी हुई है। ये देखिए जाएंगे जाएंगे, सब लोग नहीं मानेंगे। चलिए मैहर में पहुंचता हूँ, मैहर में मैं आपको बताता हूँ। हो सका तो हम लोग आज दर्शन करेंगे, नहीं तो कल मॉर्निंग में दर्शन करेंगे। ये रोपवे है मैहर माता, शारदा माता के वहाँ जाने का। एक पैदल ऑप्शन भी है, बट हमारे साथ थोड़ा बच्चे थे तो इश्यू था, तो हम रोपवे की सहायता से ऊपर जाते हुए माँ शारदा के भवन स्थल पर। शारदा माता की जय हो, जय माँ शारदा माँ। आप आए, जय माता दी, जय माँ शारदा माता की जय। मैहर में माता जी के दर्शन करने के बाद हम लोग फ्री हो गए थे कुछ 10:30 के आसपास। अब वहाँ से हम लोग निकले हैं टूवर्ड्स प्रयागराज की ओर। देखा जाए तो रोड कंडीशन थोड़ी सी, थोड़ी थोड़ी जगह कंस्ट्रक्शन है का काम चल रहा है, थोड़ी थोड़ी जगह अच्छे प्रॉपर हाईवे हैं। ठीक है, अब इतना बड़ा सफ़र जब हम करते हैं तो थोड़ा बहुत तो रोड ऊपर नीचे होने का एक्सपेक्टेड रहता ही है। एक चीज़ और है यहाँ पे ना, थोड़ा सा ढाबे या जो खाने की जो व्यवस्था है वो है, ऐसा नहीं है रीवा के आसपास है, लेकिन थोड़ा सा वो अप टू द मार्क नहीं है। बट यस, हर जगह एक जैसा नहीं रहता, इसीलिए थोड़ा ठीक ठाक है। बाकी पब्लिक जो है हमारे यहाँ पे, पब्लिक सोए पड़ी है, यहाँ सोए हैं मैडम, वहाँ सोई हैं, सब लोग सोए पड़े हुए हैं। ये मैडम खुश हैं, नींद की झपकियों में झपके ले रही हैं। क्यों भाई, भूख भूख लग रही है क्या? हाँ सही बात है, बच्चे सोते ना तो ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा हो सके ना सा ट्रैवल कर लिया जाए, रास्ता काट दिया जाए, नहीं तो ये जब उठ जाते हैं ना तो फिर सफ़र करने में ना बहुत टाइम लग जाता है। कभी किसी को कुछ आ रहा है, कभी किसी को भूख लग रही है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। यहाँ हम लोग पहुँच गए थे कुछ 2:30 के आसपास, प्रयागराज पहुँच गए थे। एकदम से उतरने में इधर उधर बच्चे सो रहे थे, तो जिस कारण से थोड़ा सा पता नहीं चला, और मैं इस वीडियो को बंद करना भी भूल गया। तो मैंने, चलो मैं आप लोगों से गुड बाय भी कर लेता हूँ और एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ कि देखा जाए तो हमें ऑलमोस्ट ये कुछ 1460 किलोमीटर के आसपास पड़ा, और डीजल जो है ऑलमोस्ट हमें 9000 के आसपास मुझे डीजल लगा है। टोटल टोल की यदि मैं बात करूँ तो कुछ 2400 यानी 2400 रुपये का मुझे टोल लगा है। खाने की जो व्यवस्था है वो मैहर के बाद मैंने देखा, प्रयागराज तक कुछ मुझे अच्छे होटल्स नहीं मिले, ऐसे ही था, तो थोड़ा सा मैंने अवॉइड किया। जो भी मैं लाया था वही सामान मैंने खा लिया। कार की बात करूँ, मतलब स्कॉर्पियो की बात करूँ, तो गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, कहीं कुछ परेशानी नहीं रही, बहुत अच्छा कम्फर्ट है, और अच्छे से हम लोग टाइम पर आ गए। माइलेज भी गाड़ी ने अच्छा दिया, ऑलमोस्ट 16-17 के आसपास वो फ्लक्चुएट करता रहा स्पीडोमीटर। देखा जाए तो कभी मैं 100 टच भी कर देता था, कभी 80 पे भी चलाता था, तो देखा जाए तो इतना कुछ डिसअपॉइंट नहीं किया। काफ़ी अच्छा, इतनी बड़ी गाड़ी का इतना अच्छा माइलेज और एवरेज निकलना वो भी काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए मैं इस जर्नी को यहीं विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब कुछ मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बताया होगा, कहीं कुछ भूल गया हूँ तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा और मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं कुछ नई जर्नी के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अच्छा हाँ, जो भी हो, जैसा भी हो, जैसा भी आपको लगा हो, एटलीस्ट कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं।